अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथ अपनी स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारी एक्सरसाइज 1.1 है। तो ये जो आज हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, हम अपना स्मार्ट सिलेबस जो कि 2020 और 2021 का जो है 2020 और 21 के आया था हमारा स्मार्ट सिलेबस, उसके रिलेटेड हम वो कर रहे हैं। जो हमारा फर्स्ट जो आज की वीडियो है वो हमारा जो एक्सरसाइज 1.1 है, उसमें क्वेश्चन नंबर जो 1 था उसका सी ऑप्शन जी और एच हमने करना था। तो इसका जो है, इसमें जो मेन हमने करना है कि कॉलम का मर्तबा मफाइन मालूम करना है कि ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक क्या होता है। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक यानी कॉलम का मर्तबा क्या होता है। तो कॉलम का मर्तबा इसे कहते हैं कि मैट्रिक भी कोई ऐसे आदाद जो कि एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद हो वो हमारा मैट्रिक कहलाता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज भी हो और कॉलम भी हो वो हमारा मैट्रिक होगा। अब ये इनका मर्तबा क्या होगा कि किसी भी मैट्रिक यानी किसी भी कॉलम के अंदर उसमें रोज की तादाद और उसके रिलेटेड कॉलम की जो तादाद है वो कितनी है, वो जो एक निजाम है, जो तरीका है, जो कितनी रोज कितनी कतार है, वो हमारा उस कॉलम का मर्तबा करता है। यही आज हमने इसमें फाइंड आउट करना है, जो हमारा स्मार्ट सिलेबस का पहला ही क्वेश्चन है कि क्वेश्चन 1 का सी जी एच ऑप्शन, जिसमें हमने कॉलम का मर्तबा ही फाइंड आउट करना था। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट है, जो हमारे चैनल पर नए हैं, तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, स्टडी रिलेटिव टॉपिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले हर अपडेट आप तक इजीली पहुंच सके। तो बिना कोई टाइम जाए कि हम अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं कि हमारा फर्स्ट जो है जो सी है उसमें वो कह रहा है कि स्क्वायर ब्रैकेट है 2 और 4 है। पहले तो ये समझ लें ये एक मैट्रिक है, कॉलम है, क्यों इसमें जो है ये आदाद एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद है। अब ये समझ लेते हैं ये जो हॉरिजॉन्टल साइड है ये हमारी रोज कहलाती है। क्या कहलाती है? ये हमारी रोज होते हैं जो हॉरिजॉन्टल होती हैं, और जो ये वर्टिकल होते हैं ये हमारे कॉलम कहलाते हैं। जो हॉरिजॉन्टल साइड होंगी वो हमारी रोज होंगी, और जो वर्टिकल होंगे ऊपर नीचे वो हमारे क्या होंगे, कॉलम होंगे। यानी इसमें हॉरिजॉन्टल जो रोज है वो एक है, क्योंकि ये एक ही तादाद में जा रहे, जैसे कि ये है तो ये साइड पे जो ये जा रही है ये हमारी रो कहलाएगी, और नीचे की तरफ ये 4 का एक कॉलम बनेगा और 2 का दूसरा कॉलम, यानी 2 कॉलम बनेंगे। अब इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा? हम जो ऑर्डर करते हैं वो हम पहले रो कर लेते हैं कि कितनी रोज हैं, और उसके रिलेटेड फिर हम कॉलम लेते होते हैं कि इसमें कितने कॉलम है। तो अब इसमें हम देखें सी में जो है हमारी सिर्फ एक की ही रो है, तो एक रो के इसका मतलब हम ये कहते हैं कि 1 रो और बाय 2 कॉलम, यानी 1/2 इसका जो ऑर्डर बनेगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इस कॉलम का जो ऑर्डर बनेगा, मर्तबा बनेगा, वो 1/2 बनेगा, क्योंकि इसमें एक रो है और 2 क्या है हमारे कॉलम है। इस वजह हमने पहली जो रो दी और एक ये रो होगी और ये 2 कॉलम, यानी 1/2। इसी रिलेटेड हम अपने नेक्स्ट दूसरे पे आते हैं कि दूसरा जो जी है वो उस एक कॉलम है, इसमें हम देखते हैं हमारी नंबर ऑफ रोज कितनी है और उसके रिलेटेड नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। तो अब इसमें अगर हम देखें तो ये हमारी फर्स्ट रो होगी, यानी कि ये रो 1, और इसी रिलेटेड ये रो 2, और ये लास्ट रो 3 होगी। यानी इसमें हमारी 3 रोज है, ये पहली, दूसरी और ये थर्ड। इसी रिलेटेड अगर हम जब कॉलम की तरफ आते हैं, अब ये हमारा पहला कॉलम बन गया, ये एक कॉलम, यानी यहां से स्टार्ट करते हैं, ये हमारा C1 और ये C2 यानी दूसरा कॉलम, और ये है हमारा थर्ड 1 यानी हमारा तीसरा कॉलम। अगर हम देखें कि इसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो कितनी है, 3 है, यानी कि 3 हमारी रोज है और कॉलम यानी 3/3 का है। अब अगर हम इसमें देखें कि ये 3/3 है, यानी 3 रोज है, 3 कॉलम है, तो इसे हम एक स्क्वायर मैट्रिक भी कहते हैं, यानी कि मुरब्बी कॉलम, के ऐसा कॉलम जिसमें कतारों और कॉलमों की तादाद क्या हो जाए, आपस में बराबर हो जाए, वो हमारा क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक यानी मुरब्बी कॉलम। इसका मतलब जी का जो ऑर्डर बन गया वो हमारा 3/3 का बना। अब हम अपने आते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि हमारा एच ऑप्शन। तो एच ऑप्शन में अगर हम देखें तो नंबर ऑफ रोज हमारी कितनी बनेगी, ये फर्स्ट रो यानी के रो 1 और ये हमारी सेकंड यानी के रो 2। इसी रिलेटेड अगर हम देखें, ये हमारा एक कॉलम, ये दूसरा और ये
यानी कि ये सी वन, ये सी टू और ये सी थ्री, यानी आर से मैंने रो को डिनोट किया और सी से कॉलम को डिनोट किया, यानी कि हमारी इसमें एच ऑप्शन में दो रोज यानी दो कतारें हैं और तीन कॉलम है। जैसे मैंने आपको पहले शुरू में बताया कि हमने पहले रोज लेनी है कि हमारी कतारों की तादाद कितनी है, टू है, और बाय अब कॉलम की तादाद आ जाएगी वो कितनी है हमारी, थ्री है, यानी टू बाय थ्री है। अब इसका एच का जो ऑर्डर बना वो हमारा बन गया टू बाय थ्री का। अगर हम इसकी साथ साथ डिफाइन भी देख लें कि ये अब ये नंबर ऑफ रोज, जैसे कि इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम आपस में बताएं बराबर थे, तो इसे हमने स्केयर मैट्रिक कहा था, और जबकि इसमें नंबर ऑफ रोज तो टू है लेकिन नंबर ऑफ कॉलम जो है वो तीन है, यानी टू बाय थ्री का जो ऑर्डर है। अब जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम आपस में इक्वल नहीं होंगे वो हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक यानी के मुस्ततेली कॉलम कहलाएगा। ये थे हमारा फर्स्ट टॉपिक जिसमें एक्सरसाइज 1.1 हमने स्टार्ट किया, और पहले जो था स्मार्ट सिलेबस के रिलेटेड जो क्वेश्चन उसमें कहे गए थे वो हमने स्टार्ट किए। तो इन क्वेश्चन के रिलेटेड आपका कोई कन्फ्यूजन बाकी रह चुका हो या किसी तरह का कोई भी ओपिनियन आप कोई राय देना चाहते हो तो वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कर सकते हैं। तो मजीद नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो वीडियो देख एंड तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।